हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस देखने वाला हूं इंडियन नेवी की तरफ से एसएससी ऑफिसर एंट्री का 2025 का। तो फाइनली ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, आज से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है गाइस। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो, इसमें आप लोग को डेट वगैरह इसमें मेंशन कर दिया गया है। तो फाइनली लिंक एक्टिव हो चुका है गाइस। इंडियन नेवी ऑफिसर एंट्री का आपका प्रोफाइल लॉगिन कर लेना, लॉगिन करने के बाद आपका प्रोफाइल अपडेट कर लेना। अब यूजर अपडेट बटन पर क्लिक कर, अपडेट करने के बाद आपको करंट अपॉर्चुनिटीज बटन पर सिंपली से क्लिक कर दिए गाइस, इस तरह का आप लोग को देने को मिलेगा। यहाँ पर आप साथ साथ देख सकते हो जून 2025 का बैच आप लोग को आया है। आप लोग को पता है दोस्तों, इसका डिटेल मैंने अलग से मैंने वीडियो बनाया है। इसका एज लिमिट क्या है, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या, मैंने सारी मैंने बताया आप लोग को पता है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक स्टार्ट हुआ है, आप लोग को चेक कर सकते हो। लेकिन आखिर यहाँ पर आप लोग को 12/9 से स्टार्ट नहीं हुआ है, 14 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट है 29 का। तो यहाँ पर आप लोग को नॉट व्यू डिटेल बटन पर क्लिक करो तो अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से भी गाइस। वीडियो बने रहना गाइस, वीडियो स्किप ना करें। वीडियो आगे बढ़ने से पहले गाइस, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तब आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन एसएसबी रिलेटेड से लेकर ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब नया नया अपडेट इस चैनल पर आप लोग को देने को भी मिलता रहेगा। इसीलिए आप लोग वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि अगर वीडियो स्किप करोगे तो कैसे आपको फिलअप करना है, एक बार सबमिट करोगे तो दोबारा से भी आपको करेक्शन ऑप्शन नहीं मिलने वाला। इसीलिए आप लोग को ये वीडियो ध्यान से देख लेना गाइस। ध्यान से देखने के बाद आप खुद ही आपका मोबाइल फोन से आप अप्लाई कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो अप्लाई करने के लिए गाइस सिंपली इस बटन पर टिक बॉक्स बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। जैसे टिक बॉक्स बटन पर क्लिक करते गाइस, यहाँ पर आप लोग को सारी आप लोग को देने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग को कौन सा एंट्री के लिए क्या है, यहाँ पर आप लोग को सारी देने को मिलेगा। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जून 2025 का ये कोर्स पेज होने वाला है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो गाइस। अदरवाइज यहाँ पर आप लोग को जितना यहाँ पर आप लोग को चेकबॉक्स देने को मिलेगा, सभी चेकबॉक्स इंस्ट्रक्शन आप लोग को चेकबॉक्स क्लिक कर लेना गाइस। उसके बाद अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। जैसे अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करते गाइस, इंस्ट्रक्शन आप लोग को थोड़ा लोडिंग लेगा। ज्ञान से वीडियो देख लेना गाइस, क्योंकि लास्ट टाइम में भी बहुत सारा कैंडिडेट ने गलती किया है। परसेंटेज में कन्वर्सन कैसे किया जाता है उसका डिटेल, उसका बाद पर्सनल डिटेल वगैरह बहुत सारा गलती किया जाता है। तो इसलिए ज्ञान से देख लेना। यहाँ पर आप लोगों को क्लास 10 के डॉक्यूमेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग तो आपका फुल नेम आपको डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपका फादर नेम वगैरह आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपका डिटेल वगैरह यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारी आ जाएगा। तो सिंपली से यहाँ पर आपका स्टेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। तो चलो गाइस, मेरा करीमगंज डिस्ट्रिक्ट है, मैंने करीमगंज मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपका लैंग्वेज प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसका गाइस यहाँ पर आप लोगों को आधार नंबर 12 डिजिट का आधार नंबर आप लोगों को डालना होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क है, जो लोग स्टार मार्क है वो आपको मैंडेटरी है। उसका बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो डू यू हैव पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यस करके यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल देना, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं तो नो नंबर डाल देना। तो चलो गाइस, मेरा पैन कार्ड है, यस कर लिया। सेम इसी तरह वोटर आईडी भी अगर आपके पास है तो यस कर लेना, अदरवाइज नो कर लेना। अगर यस करूँ तो यहाँ पर डाल देना। पासवर्ड पासपोर्ट अगर आपके पास है तो पासपोर्ट यस और नो कर सकते हो। उसका बाद रेशन कार्ड भी आपको डाल सकते हो। तो चलो गाइस, मैं फटाफट से पहले सारी फिलअप कर लेता हूँ, आपको भी आपके हिसाब से इस तरह से आप लोग को सारी फिलअप कर लेना 1 by 1। सो गाइस देख सकते हो, फाइनली मैंने सारी मैंने फिलअप कर दिया। डालने के बाद सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते गाइस, इस तरह से आप लोग को फिर से नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। एजुकेशनल डिटेल यहाँ पर आप लोग को एजुकेशनल डिटेल वगैरह, यहाँ पर कौन सा पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, यहाँ पर आपको सारी 1 by 1 करके आप लोग को चेक कर सकते हो। पहले आप लोग को यहाँ पर आप लोग को चेक कर लेना गाइस। यहाँ पर एप्लीकेशन आर एलिजिबल मेन एंड अनमेरिड मैन एंड वोमेन भी आप लोग को कौन सा पोस्ट के लिए, मैन एंड वोमेन दोनों बोर्ड अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर आप लोग को सारी डिटेल है आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन शॉट वगैरह आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी आपका है, यहाँ पर आप लोग को सारी 1 by 1 करके आप लोग को सारी फिलअप कर लेना गाइस। तो चलो गाइस, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे आप लोग को फिलअप करना होता है। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ याद रख लेना, क्लास 12 का डिटेल में गाइस यहाँ पर आप लोग को, यहाँ पर आप लोग को चेकबॉक्स देने को, यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट चेकबॉक्स द सेलेक्ट चेकबॉक्स टू कंसीडर 3 सब्जेक्ट इनटू एग्रीगेट पार्सेंट। जितना आपका पार्स है क्लास 12 में 3 सब्जेक्ट का ज़्यादा ज़्यादा आपका अपने मार्क स्कोर हाइस्ट क्या है, जो वाला आप लोग को सेलेक्ट करने के लिए बताया गया। तो जैसे कि मेरा कंप्यूटर साइंस है, उसका बात है ये फिजिक है, उसका बाद एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि इंग्लिश मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से सेलेक्ट कर लेना गाइस। सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से आप लोग को नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना, यहाँ पर आपको सारी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग को देख सकते हो इसमें क्या बताया गया, क्लास 10 में अपने टोटल मार्क कितना है, इंग्लिश का टोटल मार्क कितना है और इंग्लिश का टोटल ऑप्टेन मार्क क्या है, जो भी मैं डाल लेता हूँ फटाक से। आपको भी हिसाब से आपको डाल देना गाइस, जो भी आपका क्लास 10 का इंग्लिश कितना मार्क ऑप्टेन किया है गाइस। सो गाइस देख सकते हो, गाइस मैंने इंग्लिश का मार्क ऑप्टेन मैंने डाल दिया। उसके बाद सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते गाइस,
इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। गाइस इस तरफ से आप लोग को अभी देख सकते हो मिलिट्री रिकॉर्ड का डिटेल्स में बताया गया है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग को देख सकते हो हैव यू डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म फोर्स, आप लोग को यस से तो आप लोग को यहाँ पर आप लोग को यस नहीं रहेगा नौकालन अगस्त। अगर इसमें देख सकते हो हैव यू अटेंड एनी सर्विस, अगर पहले आपने SSB इंटरव्यू इंडियन नेवी में SSB इंटरव्यू आपने अटेंड किया तो आप लोग को यस कर सकते हो, अदरवाइज नो करना। अगर सपोज यस करोगे तो गाइस कौन सा टाइप कौन सा एंट्री में आपने SSB इंटरव्यू अटेम्प्ट किया, जैसे कि आर्मी नेवी एयरफोर्स आप लोग को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने नेवी सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद टाइप ऑफ एंट्री कौन सा टाइप का कौन सा एंट्री में आपने SSB इंटरव्यू अटेम्प्ट किया है जो भी आपको डाल देना, जैसे कि मैंने नो कर लिया गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो हैव यू एवर फेल पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, अगर है तो यस कर सकते हो। उसके बाद हैव यू डू यू हैव कमर्शियल पायलट लाइसेंस, अगर आपके पास पायलट लाइसेंस है तो यस कर नो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मर्चेंट नेवी, अगर आप मर्चेंट नेवी पर्सनल है तो यस कर सकते हो। उसके बाद डू यू हैव नेशनल, अगर आपके पास NCC का सी का सर्टिफिकेट हो तो आप लोग को यहाँ पर आप लोग को यस कर सकते हो, अदरवाइज इसमें सारी आप लोग को नो ही कर लेना गाइस। नो करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। जैसे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस डिटेल यहाँ पर आप लोग को सारी आ जाएगा। मैंने ब्लर करके रखा है मेरा डिटेल वगैरह क्योंकि ये मेरा सीक्रेट है। उसके बाद इसमें कुछ अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लोग को सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। जैसे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर मिस क्लेनर्स के बारे में इसमें पूछा गया है, तो आप लोग को यहाँ पर हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस एंट्री, ये एंट्री कैसे आप लोग को पता चला गया है, तो आप लोग को अकॉर्डिंग आप लोग को जो भी आप लोग को सोशल मीडिया एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आप लोग को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखो व्हाट मोटिवेटेड यू टू अप्लाई फॉर द नेवी, जो भी आप लोग को कैसे मोटिवेट हुआ, कैसे आपको इंटरेस्ट हुआ इंडियन नेवी में जाने के लिए, तो आप लोग को ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो। मोटिवेशन फ्रॉम सेल्फ, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आप लोग को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पर डू यू नो स्विमिंग, अगर आपको स्विमिंग आता है तो सिंपली से आप लोग को यस कर सकते हो। तो चलो गाइस मेरे को आता है, यस कर लिया। उसके बाद यहाँ पर पहले अपने अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर लेना। सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। जैसे सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही गाइस इस तरह से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग को देख सकते हो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बताया गया। पहले जब अपना आपका प्रोफाइल अपडेट किया तब अपने आई होप आपको सभी ने अपलोड किया होगा आपका डॉक्यूमेंट वगैरह। अगर अपलोड नहीं होता यहाँ पर जो भी अपने फोटो सिग्नेचर वगैरह आपने अपलोड किया यहाँ पर आप लोग को व्यू डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करके व्यू कर सकते हो गाइस। तो गैस इसमें अपडेट करने की देखने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप लोग को सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना गैस। जैसे सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही गैस इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो गैस यहाँ पर आप लोग को नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना, इंडिकेट प्रीफरेंस, मतलब कौन सा प्रीफरेंस आप लोग को नंबर वन नंबर टू कैसे देंगे आपको देना चाहते हो। यहाँ पर आप लोग को प्रीफरेंस आप देख सकते हो गैस कौन सा प्रीफरेंस 1, 2, 3 करके आप लोग को यहाँ पर आप लोग को चेक कर सकते हो। एज लिमिट वगैरह यहाँ पर आप लोग को सारी कौन का यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग को प्रीफरेंस वाइज जो भी आप एलिजिबल है प्रीफरेंस आप देख सकते हो। एक साथ तो प्रीफरेंस का मतलब प्रायोरिटी 1, 2, 3 करके इस तरफ से आ जाएगा। जैसे कि प्रायोरिटी में कौन सा पोस्ट में आप प्रायोरिटी देना चाहते हो, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल मेल में देना चाहता हूँ। उसके बाद आप लोग को मैं आप नाम देना चाहते हो दे सकते हो, अदरवाइज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये वाला भी इलेक्ट्रिकल में 25 एक सेम नहीं दे सकते हो क्योंकि अलग अलग से आप लोग को देना ही होगा। GS में दे लेता हूँ गाइस। GS देने के बाद गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से आप लोग को NAIC में दे लेता हूँ। फोर्थ में गाइस देख सकते हो जो यहाँ पर फोर्थ में आप लोग को ATC में दे लेता हूँ गाइस। और नंबर 5 की बात करो तो गाइस लॉन्गेस्टिंग में दे लेता हूँ गाइस। नंबर 6 की बात करो तो गाइस नंबर 6 हाइड्रो में दे लेता हूँ गाइस। और नंबर 7 की बात करो तो गाइस एजुकेशन में मैं दे लेता हूँ। मतलब यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ याद रख लेना गाइस कौन सा प्रीफरेंस, जैसे कि अगर सपोज आप लोग को इंडियन नेवी ये एंट्री अगर नौकरी मिल गया तो प्रीफरेंस वाइज आप लोग को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को इलेक्ट्रिकल में सपोज मेरा कट ऑफ मेरा परसेंटेज सपोज जैसे कि मेरा 80% है, अगर कट ऑफ अगर 81 चला गया तो मेरे को इलेक्ट्रिकल प्रीफरेंस नहीं मिलेगा, ये नंबर 2 वाला GS में आ जाएगा। अगर GS में भी अगर परसेंटेज कट ऑफ से ज़्यादा नहीं होगा तो ये नंबर 3 में NAIC में आ जाएगा। इस तरफ से अगर सपोज मेरा परसेंटेज 80% से अगर इलेक्ट्रिकल में अगर सपोज यहाँ पर 70% कट ऑफ चला गया तो मेरे को सपोज नौकरी मिल गया तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में मेरे को नौकरी मिल जाएगा। तो आप लोग को इस तरफ से अपने हिसाब से आपको डाल देना कौन सा पोस्ट में आप जाना चाहते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो वॉलंटियर फॉर सुब्रीम आर्म, अगर है तो यस कर सकते हो, अदरवाइज नौकर लेना। तो सारी सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। जैसे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। प्रायोरिटी में गाइस कौन सा पोस्ट में आप जाना चाहते हो अपने हिसाब से इस तरफ से आप लोग को सिलेक्ट करना होगा इस ज्ञान से। तो फाइनल सबमिशन करने से पहले ज्ञान से आप लोग को जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मतलब प्रीव्यू ऑप्शन आ रहा है। तो चलो गाइस मैं फटाक से मैं देख लेता हूँ। सारी चेक करने के लिए गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस आइकन बटन पर क्लिक करके जो भी आपका
प्लस आइकॉन बटन पर चेक कर सकते हो वन बाय वन करके। तो चलो गाइस मैं फटक से सारे चेक कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने अच्छा से देख लिया पूरा सीओ कि मेरा प्रायोरिटी गाइस देख सकते हो नंबर 7 तक मैंने डाल दिया गाइस। यहाँ पर मेरा प्रायोरिटी क्या है देख सकते हो। तो सारी अगर एडिट करना चाहते हो जो भी गलत है एडिट कर सकते हो कैंसिल बटन पर क्लिक करके। यहाँ पर आपको अपडेट बटन पर क्लिक कर सकते हो। तो अगर सबमिट करने के लिए सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करते ही स्ट्रक्चर जाएगा यस बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। जैसे यस बटन पर क्लिक करते यहाँ पर साफ साफ बताएगा अगर एक बार सबमिट करोगे तो गाइस दोबारा से करेक्शन ऑप्शन भी देने को नहीं मिलने वाला इसमें बताया गया है। तो गाइस देख सकते हो फाइनली सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है। तो डाउनलोड करने के लिए गाइस यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड बटन पर सिंपली से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। तो चलो गाइस मैं लाइव प्रूफ करके सर एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं आप लोग को ओपन करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। गाइस जब कॉल अप लेटर शॉर्टलिस्ट आएगा मैं आप लोग को इस तरह का मैं आप लोग को सारी प्रोवाइड कर दूंगा। स्पेशल एसएसबी इंटरव्यू स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ज्वाइन बनाया है। अगर ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए वहाँ पर आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देने को मिलेगा। सो गाइस देख सकते हो फाइनली प्रिनर फॉर्म है आ चुका है। ये प्रिनर फॉर्म ले लेना जब इंटरव्यू तक एसएसबी इंटरव्यू तक ये फॉर्म आप लोग को लेके जाना होगा। गाइस गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ एसएसबी रिलेटेड चले के ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब नया नया इन्फॉर्मेशन देने को भी मिलते रहेगा पूछते रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो दोस्तों के साथ। तो चलो गाइस अपन वीडियो एंड कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस।